आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने ध्वजारोहण किया। और उनके साथ साथ इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद एक शेड का भी उद्घाटन किया गया। और इस शेड के नीचे ही आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के 11 थानों और एक पुलिस लाइन से 25 कर्मचारियों को कोरोना के दौरान अपने सराहनीय काम के लिए सर्टिफिकेट्स और नगद पुरस्कार दिए गए। कांस्टेबल सुरेंद्र, तालियां बजनी चाहिए जब हमारे साथी का उत्साह प्रदर्शित किया जाता है। संचार देता है कि आप भी जीवन में ऐसे ही काम करें। मेरा नाम थाना द्वारका नॉर्थ से एसआई धर्मेंद्र, कांस्टेबल विजेंद्र सिंह। जल्दी पीछे से जल्दी। एसआई धर्मेंद्र और कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, थाना द्वारका नॉर्थ। मैं आग्रह करना चाहूंगा इस एसएचओ डाबरी साहब सामने आए, क्योंकि विश कुमार और कांस्टेबल किशन के बिहाफ पे एटीओ मैम को ये दोनों सर्टिफिकेट लिख रहे हैं। एसीपी डाबरी साहब हमारे साथ बने रहे। अगला नाम बिंदापुर थाने से एएसआई चाणक्य और हेड कांस्टेबल नरेंद्र। आगे पीछे हो जाओ। जो वहाँ भोजन वितरण का काम होता था उसमें एसआई उधम सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम और कांस्टेबल कुलवंत सिंह ने, इन तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसलिए आज डीसीपी सर इन्हें अलग से तालियां बजनी चाहिए। अगला नाम बाबा हरिदास नगर थाने से है। बाबा हरिदास नगर थाने से अगला नाम मोहन गार्डन थाने से इंस्पेक्टर अरुण कुमार और कांस्टेबल मुकेश शर्मा मोहन गार्डन साहब से गुजारिश की है दोनों प्रशस्ति पत्र। और कांस्टेबल मुकेश कुमार एएसआई इसविंदर सिंह और कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल मुकेश नहीं आए हैं, तो एसएचओ जाकर मुकला साहब भी नहीं है। आप दोनों यशवेंद्र सिंह आप सामूहिक रूप से थाना छावला
व्यवस्था न हो के बाद में तो आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।